क्या लोशन, क्रीम, मॉइस्चराइजर या कोई भी जेल लगाने के बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली, स्टिकी, ग्रीसी, चिपचिपी, बहुत ही गंदी, इकी फीलिंग आती है आपको वो लगाने के बाद? क्या ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है और आपको एक केमिकल फ्री, 100% नेचुरल कोई एक ऐसी सोल्यूशन चाहिए जो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखे, स्मूथ रखे और इतना ज़्यादा हार्म भी ना करें? अगर ये सारे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं देन आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ दैट इज़ रियली रियली गोइंग टू इंटरेस्ट यू। सो देखते रहिए। Hey guys, welcome back to the bearded chokra। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज जो मैं प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है द मेनगैनिक ऑयल फ्री डेली मॉइस्चराइजर। ये एक मॉइस्चराइजिंग जेल है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप डेली यूज कर सकते हैं। दे क्लेम दैट इट इज 100% नेचुरल एंड इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स यूज किए गए हैं। सीधा प्रोडक्ट के डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इसका प्राइस, द प्राइस इज 395 रुपीज, जो आपको उनके वेबसाइट के ऊपर देखने मिल जाएगा। एंड जितने भी मेरे बियर्डेड चोकरा फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए At the end, there is a special discount code as well. Quantity की अगर मैं बात करूँ, then 100 ml is the quantity that you're getting. Packaging की अगर मैं बात करूँ, I'm giving it a 4 out of 5 over here. It is a plastic jar. एक acrylic type clear plastic jar है. Very good build quality. It is very, very nice. If at all, if there is another version, इसका एक 2.0 निकलता है आगे जाके, then I would like it to be in a, you know, tube style package because it is a gel at the end. तो tube style packaging करेंगे, तो हमें उसके अंदर उंगली घुसाने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी ओवर हियर इज वेल। 4.5 out of 5। इट इज़ अ वेरी माइल्ड, स्लाइटली सिट्रिसी फ्रेग्रेंस, बहुत ही रिफ्रेशिंग है बट इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड। इसके बाद चलते हैं इंग्रीडियंट्स के ऊपर। इंग्रीडियंट लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करिए और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब चलते हैं हम कंक्लूजन के अंदर। सबसे पहले तो द इंग्रीडियंट्स, आई होप आप लोगों ने सारे वो इंग्रीडियंट्स पढ़ लिए हैं। ऑल द इंग्रीडियंट्स आर ऑल नेचुरल, सिर्फ इसके अंदर थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड पॉइंट बिकॉज द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड आर माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स। अगला जो पॉइंट है वो है फील इन हैंड। इसका जो फील है वो बहुत ही लिक्विडी है, बहुत ही वाटरी है एंड इट फील्स लाइक अ वेरी लूज और अ वेरी वाटरी एलोवेरा जेल। इसकी अगर मैं स्प्रेडबिलिटी की बात करूँ, आई एम गोना गिव इट अ 4.5 out of 5 ओवर हियर। इट इज वेरी इजी टू स्प्रेड। बहुत कम प्रोडक्ट चाहिए आपको, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए एंड इट स्प्रेड्स ऑन योर स्किन वेरी वेरी एफिशिएंटली। अगला पॉइंट अब्सॉर्प्शन, अगेन 4.5 out of 5। It gets absorbed within a few minutes and ये बिल्कुल भी आपके स्किन के ऊपर एक रेसिड्यू या बिल्डअप नहीं छोड़ता। इसके अलावा हम अगर फील ऑन स्किन की बात करें, ये यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। सो फॉर ऑल यू पीपल जिनको ग्रीसी स्टिकी मॉइस्चराइजर क्रीम वाली जो फीलिंग होती है, लोशन वाली जो फीलिंग होती है, वो अगर नहीं पसंद then this is the product for you। and apart from this, अगर मैं irritation की बात करूँ then no, this did not cause any irritation to me। rather जहाँ पे मुझे irritation हुई थी because of mosquito bites, उस पर मैंने ये लगाया and that irritation went off। it kind of you know healed that part। अब यहाँ पे मैं आपको एक basic use दे देता हूँ कि आप इस जेल को, इस डेली मॉइस्चराइजर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे ये इंटेंट करते हैं एज अ डेली मॉइस्चराइजर, आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर योर बाथ यू कैन अप्लाई इट ऑल ओवर योर बॉडी। आप फेस पे भी इसे लगा सकते हैं, देर इज़ नो इशू विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड यूज़ जो है इसका, यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात को जब आप लास्ट अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको कुछ लगाना होता है, दिस कैन बी दैट प्रोडक्ट। इट विल एक्ट एज अ टोनर एंड अ मॉइस्चराइजर। तो ये आपके स्किन को टाइट भी करेगा, इट हैज एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज एंड विथ दैट इट विल मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट योर स्किन एज वेल। जिन लोग की ड्राई स्किन है, जिन लोग की नॉर्मल स्किन है, जिन लोग की ऑयली स्किन है, एवरी सिंगल पर्सन कैन यूज दिस। अनलेस एंड अंटिल आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई, चैप्ड, मतलब क्रैक्स आ रहे हैं आपके स्किन के ऊपर, अनलेस दैट इज द केस यू गाइज कैन गो अहेड एंड यूज दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और अब जाके मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू टेस्ट इट इन बोथ द मेजर क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज विंटर एज वेल एज समर। आई वॉन्टेड टू सी कि ये अगर एक मॉइस्चराइजिंग जेल है तो वो विंटर में तो ऑब्वियसली काम करेगा ही करेगा, बट समर में डज इट कॉज एक्सेसिव बिल्डअप या समर में बहुत ज्यादा ऑयली या स्टिकी बना देता है। आई वॉन्टेड टू सी बोथ, आई सॉ बोथ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से दैट विंटर में इट वर्क रियली वेल
समर में इट वर्क्स इक्वली वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी मार्केट के अंदर मॉइस्चराइजर्स हैं या जेल्स हैं इवन दे हैव लॉट ऑफ बैड इंग्रेडिएंट्स। बहुत इधर प्रिजर्वेटिव्स बहुत हार्श होते हैं या फिर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनके अंदर या फिर वो सिर्फ दिखावे के लिए लोशंस होते हैं और उनके अंदर सिर्फ भर भर के सिलिकॉन्स डाले जाते हैं ताकि वो दिखावा करे कि आपकी स्किन को वो हाइड्रेट कर रहे हैं लेकिन एट द एंड इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट। आई थिंक 395 फॉर 100 ml वेरी वेरी गुड प्राइस। आप लोग जाइए और प्लीज इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सी द एक्चुअल बेनिफिट्स दैट दिस जेल हैज। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिस्काउंट की मैं बात कर रहा था नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको सारे डिस्काउंट के डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको जो डिस्काउंट है वो उनके वेबसाइट पे मिलने वाला है सो यू गाइज कैन गो देयर एंड चेक एवरीथिंग आउट। विद दैट ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे सोशल मीडिया लिंक्स, इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिंक्स जो भी है सब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। With that said, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye-bye.